अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 2 हमारी जिंदगी और कीमिया को स्टडी करेंगे। चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हवा में ऑक्सीजन का किरदार। हवा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में गैसेस पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जूस है वो है ऑक्सीजन का। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हवा में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हवा में उतनी ज़रूरत होती है जितनी हम उसको यूज़ कर लें, डेली रूटीन के लिए यूज़ कर लें। प्लांट्स को खारिज करते हैं, आपको पता है पहले ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के अमल के थ्रू, हम जो है इसे सांस लेने के अमल के थ्रू जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हवा में ऑक्सीजन गैस का किरदार क्या है। नाइट्रोजन के बाद हवा में सबसे ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन गैस की होती है, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन आ जाती है, यानी सेकंड नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी कम होती है नाइट्रोजन से। ये ना सिर्फ जिंदगी के मुख्तलिफ अवामिल के लिए बल्कि जलने और जंग लगने के अमल के लिए भी जरूरी है। जलने का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होता है। अगर जहां नहीं है वहां जलने का अमल नहीं होगा। जंग लगने के आपको पता है कि जंग लगना जो है वो लोहे को जंग लग जाता है जल्दी, तो वो लोहा कैसे जंग लग जाता है कि लोहा जो है वो नमी को जज्ब करता है और वहां से हवा की ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करती है और जो चीज है जो आयरन है या लोहा है उसके ऊपर जो है वो जंग लग जाता है। जलने के अमल के दौरान 3 चीजों की जरूरत होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि जलने के अमल के दौरान किन 3 चीजों की जरूरत होती है। ये सिंपल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जलने के अमल के दौरान किन चीजों की जरूरत होती है। तो जलने के अमल के दौरान 3 चीजों की जरूरत होती है, ईंधन, हरारत और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप अंडरलाइन कर लिया करें साथ साथ, ताकि आपको जो है वो ईजिली समझ में आ सके और आपको याद रहे कि यहाँ पे जो है इसमें वैसे फोटो ये बताया है इस पैराग्राफ के अंदर कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा हवा में पाई जाती है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन आती है। इसके अलावा जो है वो जंग लगने के और जलने के अमल के दौरान ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है और दौरान 3 चीजों की जरूरत होती है, ईंधन, हरारत और ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाए जी। इससे फायर फाइटिंग के 3 असूल हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक की गैर मौजूदगी में जो है वो जलने का अमल खत्म हो सकता है। जलने का अमल खत्म हो जाएगा यानी आग लगने का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा। किस तरह से कि हमारे पास जो है या तो ईंधन, हरारत और ऑक्सीजन, इन तीनों की मौजूदगी जो है वो जलने का बाइस बनती है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो आग को बुझाने का जो है वो करेगी। ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं हम, ईंधन भी यूज़ कर सकते हैं, हरारत भी जो है इसको हम निकाल दें किस चीज़ में, तो जाहिर है जलने का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। अब जलना एक ऐसा कि मियाई अमल है जिससे रोशनी या हरारत पैदा होती है। ठीक है, ये अंडरलाइन होगी लाइन कि जलना एक ऐसा अमल है जिससे रोशनी या हरारत पैदा होती है। आपको पता है जब भी हीट के पास आप जाएं तो आपको लाइट महसूस होगी। ये लाइट अगर बंद है तो किसी जगह पे अगर रोशनी है, रोशनी हो रही है तो वहां पे वो हीट जल रही होगी, तो उससे हरारत भी पैदा होती है, हीट लगती है आपको, हीट प्रोवाइड होती है जिस तरह हम कुकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। इवन हम सर्दियों में जो है वो वैसे हीट जो है वो सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जिस्म जो है वो गर्म रहे। तो ये जो है जलने के अमल के दौरान रोशनी और हरारत दोनों चीजें या एक चीज जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इस अमल में जलने वाला मादा आमतौर पर हवा की ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड जी हवा की मौजूदगी में जलकर जो है आमतौर पर ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, इस तरह ये जो है ये बन जाते हैं। ये ऑक्सीजन पानी में हल होकर एसिड्स बनाते हैं। पानी में अगर एसिड को डिसॉल्व किया जाएगा तो वो हमारे पास एसिड की शक्ल में आएगा। तमाम गजाई अजनास मसलन सब्जियों और गोश्त वगैरह का गलना सड़ना दरअसल इनमें मौजूद ऑर्गेनिक मादे की ऑक्सीडेशन की वजह से है। किसी भी हमारे पास जो फूड है या हमारे पास मीट है, सब्जियां, वेजिटेबल्स और गोश्त है, इनके दौरान अगर हम इनको गल सड़ जाएंगे तो ये कैसे दोबारा से माहौल का हिस्सा बनती है, जो उनके अंदर ऑर्गेनिक मादे होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है जी? ऑर्गेनिक मादे के अंदर जो है जो ये हमारे पास वेजिटेबल्स है या जो मीट वगैरह है, इनको अगर हम जो है वो स्टोर कर देते हैं कहीं पे या इनको जो है वो ख़राब हो जाते हैं ये, तो जब ये गल सड़ जाते हैं तो इनके अंदर से जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन के बाहर ऑक्साइड्स निकल जाएंगे यानी उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये मादा जो है वो वापस माहौल का हिस्सा या मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। ऑक्सीजन से जो है वो ओजोन गैस बनती है जो सूरज से आने वाली बलाए बनफशी यानी अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जिंदा जानदारों की हिफाजत करती है, जिससे जिंदादारों की हिफाजत करती है। तो हमारे पास यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन से क्या मुराद है। ऑक्सीजन से ओजोन गैस बनती है। ओजोन गैस जो है हमारी जमीन के गिर्द एक गलाफ है, गलाफ कह लें एक तय है जी एटमॉस्फेयर और जमीन के दरमियान में। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके और जमीन के दरमियान में एक तय है जिसे हम कहते हैं ओजोन। वो तय क्या है? वो तय जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे यानी सूरज से आने वाली बलाए बनफशी रेज को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। आपको पता है कि अगर ये ओजोन जो लेयर है अगर इसकी डिप्लेशन शुरू हो जाए या इसकी तबाही शुरू हो जाए तो सूरज की रेज जो है वो डायरेक्ट जमीन तक पहुंचेगी, जो कि स्किन का कैंसर और स्किन जो है बीमारियां जो है उसकी पैदा कर सकेगी, जितना जो है इंसान सूरज से जो है उसको फेस करेगा। अब ओजोन गैस कैसे डिप्लीट हो रही है, ये कैसे हो रही है? तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड जो है वो बनते हैं जिससे जो है वो
कि जो है ओजोन गैस डेवलप हो रही है, और अगर हम इसमें से जो है ओजोन गैस के जैसे निकल जाए या खत्म हो जाए ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, जो है वो रेस हम तक डायरेक्ट पहुंचेंगी और उससे जिंदगी को भी खतरा होगा और जो हमारा एटमोसफेयर वो भी इफेक्ट होगा। ये एक तय है, जिस तरह हम एक फिल्टर यूज करते हैं, इस तरह ये रेस को जो है वो फिल्टर करके हम तक भेजती है, सूरज की शुआओं को भेजती है। तो ओजोन जो है बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एटमोसफेयर और जमीन के अंदर से जो है को डिफरेंस जो है वो सन के साथ बैलेंस करती है। ओजोन जी डिप्लीट अगर कुछ एरियाज में होना शुरू हो गई है जमीन के भी, जहां से जो है वो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं, डिप्लीशन की वजह ये फ्रिजों के फ्रिज से खारिज होने वाली गैसेस हैं, एसी से खारिज होने वाली गैसेस हैं, स्प्रे के डब्बों से खारिज होने वाली गैसेस हैं, तो ये गैसेस जो है ये जो है ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं। अगर हम ओजोन को तबाही से बचाना चाहते हैं तो हमें एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो ऑक्सीजन आपको पता कैसे आएगी, जी पौधे लगाने से। पौधे जितने ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। सो वैसे भी जो है वो आजकल जो है वो प्लांट लगाओ मुहिम जो है वो चल रही है, स्टार्ट हो रही है, स्प्रिंग सीजन है, तो इसमें आप पौधे लगाए नए से नए ताकि आपको बेहतर ऑक्सीजन मिल सके और आप जो है वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होगी उतना ही आपका एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरह के केमिकल से पाक होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल जो है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक के साथ मिलेंगे। सारे टॉपिक को समझने के लिए, जानने के लिए, अगर आप मजीद साइंस के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक के अंदर आपको मसला है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो GS Academy के चैनल पर कमेंट कीजिएगा जरूर और इस टॉपिक के बारे में राय दीजिएगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।